हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरापेटिक न्यूट्रिशन। हेल्दी डाइट का पालन करना हमेशा कठिन होता है क्योंकि अनहेल्दी फूड्स का स्वाद सबसे अच्छा लगता है और ऐसी कंडीशन में मन पर नियंत्रण रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर फूड में न केवल बहुत कम पोषक तत्व होते हैं बल्कि ये शरीर में टॉक्सिन्स का निर्माण भी कर सकते हैं जो आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। नियमित रूप से इनका सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएँ हो सकती है। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि मीठे स्नैक्स और फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो और भी खराब होते हैं। इन खाद्य पदार्थों में अक्सर कैलोरीज और सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे ही अनहेल्दी फूड्स की जो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। नंबर एक, चीनी। चीनी दुनिया भर में डायबिटीज और मोटापे के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यह आपके लीवर, पैंक्रियाज और डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस और डिप्रेशन जैसी समस्या भी हो सकती है। सभी तरह की चीनी खराब नहीं होती है, लेकिन सफ़ेद चीनी का सेवन जितना हो सकता है उतना कम कर दें। सफ़ेद चीनी में केवल कैलोरीज होती है, इनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। यहाँ जैम, जेली, मिठाइयों, बेकरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस जैसे कई पदार्थों में पाई जाती है। आप इनकी जगह नींबू पानी, नारियल पानी, फ्रूट जूस और हर्बल टी जैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और शक्कर की जगह शहद, गुड़, अंजीर और खजूर जैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। नंबर दो, सॉफ्ट ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में शक्कर और कैफीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इनके नियमित सेवन से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और बॉडी में सूजन जैसी कई समस्याएं हो सकती है। इन ड्रिंक्स की बजाय आप हर्बल चाय, नींबू पानी और छाछ जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। नंबर तीन, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। मैदा एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है जो कि शरीर में ब्लड शुगर को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज़, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट पास्ता, वाइट ब्रेड और मफिन जैसे कई प्रोसेस्ड फूड में पाए जाते हैं जो आपके टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे ब्राउन राइस, बकव्हीट, बाजरा, ओट्स, इन सभी को शामिल करने का प्रयास करें। नंबर चार, शराब। सभी जानते हैं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। बहुत अधिक शराब कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, जिसमें लीवर सिरोसिस और लीवर फेलियर शामिल है। इसके अलावा यहाँ लीवर टिश्यूज को डैमेज भी करती है, जिसकी वजह से यहाँ कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं। इसके अलावा अत्यधिक शराब पीने से डिहाइड्रेशन, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं भी हो सकती है। नंबर पाँच, आलू चिप्स। हाई टेम्परेचर पे तले हुए फूड एक्रिलामाइड जैसे सब्सटेंस बनाते हैं। ये एक तरह के कार्सिनोजन होते हैं जो कि कैंसर की संभावना को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा आलू चिप्स में बहुत ज़्यादा फैट्स होता है और साथ ही बहुत ज़्यादा नमक का भी यूज़ किया जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, जिससे स्ट्रोक और दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ जाता है। नंबर छः, मार्जरीन। मार्जरीन दुनिया भर में बेकिंग के लिए, खाना पकाने और भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय स्प्रेड है। इसे बहुत पसंद किया जाता है। इसमें अनहेल्दी ट्रांस फैट्स होते हैं। ये फैट्स शरीर द्वारा प्रोसेस नहीं किए जा सकते और ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। मार्जरीन सूजन को बढ़ाते हैं और साथ ही खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ाते हैं। ये ब्लड वेसल्स की दीवारों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। नंबर सात, डब्बाबंद सूप। कई लोग डब्बाबंद सूप को भूख मिटाने के लिए एक हेल्दी स्नैक की तरह यूज करते हैं। हालांकि आम धारणा के विपरीत इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है और साथ ही बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। इनका अधिक सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर और दिल के दौरे का खतरा बढ़ सकता है। नंबर आठ, डोनट्स। रिफाइंड कार्ब्स और वाइट शुगर से बने डोनट्स आपकी सेहत के लिए बहुत ही खराब होते हैं। ये न केवल ज़्यादा तले हुए होते हैं बल्कि इनमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं और जिसकी वजह से हार्ट डिसीज, मोटापा और स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। नंबर नौ, प्रोसेस्ड मीट। बेकन, सॉसेस, हैम और हॉट डॉग जैसे प्रोसेस्ड मीट में सोडियम और नाइट्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। रिसर्च में पाया गया है कि इनका सेवन करने से पेट के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा नाइट्रेट्स आगे चलकर नाइट्रोसेमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत ही हानिकारक कैंसर पैदा करने वाला रसायन है। नंबर 10, इंस्टेंट नूडल्स।
डिब्बा बंद सूप की तरह ही इंस्टेंट नूडल्स में सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, जो कि ब्रेन के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक जहर की तरह कार्य करता है। इसलिए अच्छी सेहत के लिए अनहेल्दी फूड्स का सेवन ना करें। हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इन खाद्य पदार्थों का नियमित रूप से सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हो सकती है, जिसका गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।